स्ट्रगल नंबर थ्री रहता है यूएस में आने का, वो है हाउसमेट्स और रूम ढूंढना। क्या है वो एग्जैक्टली, इसी वीडियो में बात करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज रिजुल एंड आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट एटनी, हो गया यूसीएस ग्रेजुएट में विद एमएस इन डेटा साइंस। सो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीसरा स्ट्रगल जो कि यूएस में है। पहले के दो में वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। सो ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है, इस बेसिकली इस सीरीज़ में बात करते हैं कि यूएस में आने के स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, क्या क्या लोग चीज़ें फेस करते हैं और कैसे मैंने ओवरकम करी थी, मैंने कैसे सोल्यूशन निकाला उस चीज़ का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने लग गए, तो वो है हाउसमेट्स ढूंढना और रूम ढूंढना। ठीक है, तो हाउसमेट्स ढूंढने वाला क्या सीन हुआ था कि मेरे को यूजली स्टार्टिंग से ही मैं घर पर रहता था, मेरे को शेयरिंग की आदत है नहीं। ठीक है, तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि प्राइवेट रूम चाहिए मेरे को, तो शेयरिंग तो अपने बस की बात है नहीं, और वो सही डिसीजन था। यहाँ पे लोग आते आते जब तक लीज एंड हुई थी तंग हो चुके थे शेयरिंग में, बिकॉज आप शेयरिंग में रूम लेते हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अगर मान लो आपको ऐसा कोई रूममेट मिल गया जो पूरे टाइम पार्टी करता है, गाने सुनता रहता है या कुछ भी कर रहा है, तो आपकी नींद खराब होती है, आपकी स्टडी खराब होती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो काफ़ी लोगों ने मेरे को बाद में भी कहा कि कोई प्राइवेट रूम है तो बता दे, हमें रहना है, वी कांट शेयर एनी मोर। सो दैट वाज अनदर रीज़न ऑफ फाइंडिंग अ प्राइवेट रूम, विच इज़ पीस ऑफ माइंड। एंड मैं फेसबुक पर गया था, मेरे को घर ऐसे मिला था कि मैंने फेसबुक पर जाके सर्च मारा यूसीआई हाउसिंग, तो दो चार ग्रुप्स आ गए, ज्वाइन कर लिए, पोस्ट डाल दिया कि रूम ढूंढ रहा हूँ, कोई लीड्स है तो बताओ। उस पर एक इंसान ने कमेंट कर दिया कि एक एक्सेल शीट है, इस पर जा और यहाँ पे सब अपना अपना नाम भर रहे हैं, फ़ोन नंबर भर रहे हैं और रूम प्रेफरेंस या हाउसमेट के जो प्रेफरेंस भर रहे हैं, वेजिटेरियन चाहिए नहीं चाहिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए नहीं चाहिए, स्मोकर ड्रिंकर और अच्छा यहाँ तो और भी बहुत चीज़ें चलती हैं, वो चाहिए नहीं चाहिए। तो वो एक्सेल शीट ने भर दिया बट उससे कोई लीड्स नहीं आ रही। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट करना लोगों को स्टार्ट करा कि उसमें नंबर थे काफ़ी लोगों के, तो नंबर सेव करे, व्हाट्सएप करने शुरू करा। अब जिसको भी व्हाट्सएप करो सबका ग्रुप बन चुका था ऑलरेडी, क्योंकि लोग ऑलरेडी फॉर्म करके आ रहे थे ग्रुप। जैसे कोई कॉलेज के चार लोग आ रहे हैं और किसी कॉलेज के चार लोग हो गए, तो मेरे कॉलेज से कोई था नहीं, तो ऑब्वियसली से तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा था मेरे कॉलेज से, क्योंकि आधे लोग जॉब में लगे थे, काफ़ी लोग एमबीए करने लग गए थे और बाहर तो मतलब कोई आया नहीं था। तो जिसको मैसेज करो वही है। फिर गलती से एक इंसान को मैंने मैसेज कर, गलती से नहीं मैं करे जा रहा था मैसेज, तो एक का पॉजिटिव रिप्लाई आया 50 में से एक का कि हाँ मैं रूममेट ढूंढ रहा हूँ और हम दो लोग ऑलरेडी हैं, तू भी ऐड हो जा। तीन लोग ऑलरेडी थे, कह रहे तू भी ऐड हो जा क्योंकि हम 3 BHK में हैं। तो मैंने अपना प्रेफरेंस डाला कि प्राइवेट रूम चाहिए, तो वो कूल थे क्योंकि ये प्राइवेट रूम ही बचा हुआ था एक। तो ऐसे मेरे को हाउसिंग का जो ऐसे मैंने जाके हाउसिंग ढूंढी थी एंड ऐसे जाके मैंने अपना रूम ढूंढा था। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मेन स्ट्रगल रहता है ये। और आपको जो रूममेट्स है ना वो भी थोड़ा ढंग से चूज़ करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो घर हैं वहाँ पे मतलब मेरा एक चीज़ है कि रात को आप ना मतलब मेरे से वो नींद बड़ा मेरे को वो है कि 12-1 बजे या 2 बजे के बाद अगर कोई शोरूम में जाता मैं मच जाती है कि भाई ये गलत सीन चल रहा है यहाँ पे, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं बचाता शोर। तो मैं भी 11-12 बजे के, मैं वैसे भी नहीं बचाता, बाहर ही रहता हूँ घर के, मैं कभी कैंपस में हट गए कभी कॉफ़ी शॉप बैठ गए। तो काफ़ी घरों में ना यहाँ पे रूममेट्स अगर जैसे आपको थोड़े पार्टी वाले मिल जाएँ तो उसके बाद आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ना वॉल्स जो हैं यूएस की, मैं दिखाता हूँ, ये जो वॉल्स हैं ना यूएस की ये बहुत पतली हैं, तो इसमें आप कुछ कर लो बट दूसरे रूम से ना आवाज़ आएगी ही आएगी। तो दूसरे रूम से आवाज़ आती थी, आप सो नहीं पा रहे हो, आपका कोई टेस्ट चल रहा है, असाइनमेंट चल रहा है, वो नहीं कर पा रहे हो। ये जो टेस्ट एंड असाइनमेंट है ना, ये है स्ट्रगल नंबर 4, लेवल अप करते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, तो रूममेट्स ढूंढना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग के रूममेट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 साल रहने वाले उन लोगों के साथ, तो ढंग से चूज़ करना, नहीं मिलता है तो एयरबीएनबी ले लेना कुछ दिन के लिए, बट गलत डिसीजन मत लेना कि घर नहीं मिल रहा तो किसी के साथ भी रह लिया जाके, वो थोड़ा टॉपसी एंड डर्वी वाला सीन हो जाता है कि आप रिस्क ले रहे हो कि चल गया तो चल गया, नहीं तो आप 1 साल डिस्टर्ब रहोगे। तो या ये था तीसरा स्ट्रगल यूएस में आने का, जो कि है आपका हाउसमेट ढूंढना और घर ढूंढना। ठीक है, अगली वीडियो में बात करने वाले हैं चौथा स्ट्रगल, जो कि है यूनिवर्सिटी में जो आपकी बैंड बजती है, अगर आपने क्वार्टर सिस्टम में आप आ गए हो तो उसके बारे में बात करते हैं इस चौथे वाली वीडियो में। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।